मेरे प्यारियो प्रभु येसु मसीह दे नाम विच मैं तुहाडा स्वागत करदा हां। मलेशिया विचों तुहानू प्रभु दा वचन सुनाउणा मेरे लई खुशी दी गल है। मलेशिया देश विच चारे पासे जे वेखो बहुत हरियाली है, लोग बहुत खुश हन। इत्थे तीन जातियां दे लोग हन ते सब मिलके रहिंदे हन। इत्थे मलाई जाति दे लोग ते चीनी अते तमिल लोग रहिंदे हन। इस तरह दियां होर भी जातां इस देश विच रहिंदियां हन ते सब मिलके रहिंदे हन, खुशी नाल मिलके वसदे हन। किसे होर देश विच समस्या होवे तां उत्थों दे लोग इत्थे आके रह सकदे हन। सरकार ने सुविधा दित्ती है, सरकार उन्हां नूं सुरक्षा अते काम भी दिंदी है। मेरे पिछे जो तुसीं वेख रहे हो इस नूं ट्विन टावर कहिंदे हन ते एक समय यह दुनिया दियां सब तों उच्चियां इमारतां विचों एक गिणी जांदी सी ते इत्थों प्रचार करना मेरे वास्ते बहुत खुशी दी गल है। सो आओ परमेश्वर दे वचन दा अध्ययन करांगे। रोमिया दी पत्री 10 अध्याय ते उसदी 11 आयत। धर्म पुस्तक इउं कहिंदा है भई जो कोई उस उत्ते नेचा करे ओ लज्जावान ना होवेगा। जिहड़ा व्यक्ति परमेश्वर उत्ते विश्वास करेगा ओ कदे भी शर्मिंदा नहीं होवेगा। यानी जेकर तुसी परमेश्वर उत्ते विश्वास करदे हो तां परमेश्वर तुहाडे सारे कम्मां विच ते तुहाडियां सब मुसीबतां विच साथ देवेगा। तुसी कदे शर्मिंदा नहीं होवोगे, इस लई क्योंकि तुसी परमेश्वर उत्ते नेचा ते विश्वास रखिया है। एक बार एक भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया ते उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर सी अते ओ उसनू हस्पताल लेके गए ते डॉक्टर ने कह दिता इसका बचना बहुत मुश्किल है, ये फाइनल स्टेज विच है। लेकिन उस भाई की पत्नी ने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे पति नू आपे जिंदगी बख्शेगा, तुसी बस इसका इलाज करो। पर डॉक्टर ने कहा कि जेकर इलाज करिए भी तो यह बच नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा बीमार है, ये इसकी फाइनल स्टेज है। पर उस भैन ने उन्होंने कहा कोई गल नहीं, तुसी इलाज करो, मेरा परमेश्वर येसु मसीह आपे उसनू जिंदगी बख्शेगा। उस डॉक्टर ने कहा कि जेकर तेरा पति बच गया तो मैं भी प्रभु येसु मसीह नू मनन लग जावांगा अते उसने इलाज शुरू कर दिता। इलाज शुरू हो गया तो वह भैन विश्वास नाल प्रार्थना करन लगी। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हो जाते हैं, इस वचन नू बोल बोल के उसने प्रार्थना की अते बहुत अचरज ढंग नाल उसके पति दे जो अंग काम नहीं कर रहे सन हौली हौली उसदे ओ सारे अंग हौली हौली काम करन लगे। उन्हां विच जान आ गई ते डॉक्टर भी ये सब वेख के हैरान रह गए ते उस भैन दियां गल्लां दे द्वारा डॉक्टर भी प्रभु येसु मसीह उत्ते विश्वास करन लगे। क्योंकि वह भैन सब नू कहिंदी सी कि प्रभु येसु मसीह ने ही मेरे पति नू उस भयानक बीमारी तो बचाया। इस तरह अचरज तरीके नाल परमेश्वर ने उस भाई नू उसदी बीमारी तो चंगा किया। इसलिए तुसी डरना नहीं है, सारियां गल्लां विच प्रभु ते विश्वास रखना है। जिहड़ी गल बारे सोच रहे हो कि उस विच शर्मिंदगी वेखनी पवेगी, परमेश्वर उस गल विच अचरज काम करेगा। हे परमेश्वर, ये बेटा ये बेटी तेरे उत्ते विश्वास करदे हन, अज ही इन्हां दे जीवन च येसु मसीह दे नाच चमत्कार हो सके। आमीन आमीन।